हरिओम आदेश आदेश। सर्वप्रथम सभी मेरी माताओं बहनों भाइयों गुरु भाइयों को उगड़ कालूराम की तरफ से बारंबार प्रणाम स्वीकार करें। आज मैं आपको बताता हूँ, एक गणेश मोहिनी के बारे में बताऊंगा आपको, जो गणेश मोहिनी बहुत शक्तिशाली और बहुत पावरफुल होती है। उससे हमारा कोई भी काम हो, ए टू जेड काम, तो उस काम में हमारे को फलदायी मिलती है और सफलता प्राप्त होती है। उससे पहले मैं आपको एक विशेष जानकारी के बारे में बताऊंगा, तो आप ध्यान से सुने। सर्वप्रथम आपको एक बात बोलता हूँ कि 6 दिसंबर यानी आज से 12-13 दिनों के बाद में यहाँ पर रात्रि जागरण रहेगा। 7 दिसंबर को काल भैरवाष्टमी है, का 7 दिसंबर को यहाँ पर मेला रहेगा, यानी आज से 12-13 दिनों के बाद में ही मेला रहता है, भंडारा भी रहेगा और जुलूस भी निकलेगा। काल भैरवाष्टमी पर, हर काल भैरवाष्टमी पर मेला रहता है। इस वर्ष भी 6 दिसंबर को रात्रि जागरण और 7 दिसंबर को मेला रहेगा, जिसमें भंडारा सब कुछ रहेगा। और दूसरी बात, मेरे से बात करने का समय है, चेंज करता हूँ मैं समय, मेरे से बात करने का समय है हर रोज सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक मेरे से आप बात कर सकते हो फोन में। एक बार और बता देता हूँ, हर रोज सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक मेरे से बात आप कर सकते हो। दूसरी बात, मैं आश्रम पर सिर्फ 3 दिनों तक ही मैं मिलता हूँ, शनिवार रविवार और सोमवार को, बाकी दिनों में मैं आश्रम पर नहीं मिलता हूँ। ऊपर से नीचे कर थोड़ा, 3 दिनों तक मैं आश्रम पर मिलता हूँ, शनिवार रविवार और सोमवार को। कोई भी भगत अगर आना चाहता है तो इन 3 दिनों में ही आश्रम पर आए, बाकी ना आए। दूसरी बात है, कभी भी मैं ऑनलाइन पर काम नहीं करता हूँ। जो भगत यहाँ पर आते हैं हम उसी का ही काम करते हैं। तीसरी बात, कोई भी व्यक्ति, कोई भी भगत, कोई भी माता बहन जिसके शारीरिक बीमारी है या कोई ऊपरी बाधा का चक्कर है या कोई भी पागलपन है या कोई भी ए टू जेड समस्या है, आश्रम पर आने के बाद हम कोई भी बीमारी हो उसको ठीक करने का कोई भी पैसा नहीं लेते हैं, कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं। आप मेरे से डायरेक्ट आकर मिल सकते हो, कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मिल सकते हो, पर्सनल बात मेरे से कर सकते हो। आश्रम पर किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। पहले मैं याद बात बोलता हूँ, अगर आपको कोई बीमारी है, तकलीफ है, तो पहले हॉस्पिटल चेक कराइए। अगर हॉस्पिटल चेक कराने के बाद भी अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है या पैसे थक चुके हैं या पैसे बर्बाद हो चुके हैं, तो वो भगत एक बार हमारे आश्रम पर ज़रूर पधारें। यहाँ पर जो हमारे गुरु महाराज ने बताया है उसके आदेश पर अनेक तरह की बीमारियों को ठीक करने में हम सक्षम हैं, गुरु महाराज के आशीर्वाद से। कोई भी समस्या हो ए टू जेड, कोई भी बीमारी हो, तो वो भगत हमारे आश्रम पर सिर्फ 3 दिनों तक ही आ सकते हो, शनिवार रविवार और सोमवार को, बाकी दिनों में ना आए। बात करने का समय हर रोज सुबह 8 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक आप मेरे से बात कर सकते हो। यहाँ पर कोई भी समस्या है, कोई भी बीमारी है,
तो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, सब निःशुल्क इलाज किया जाता है। अपने मन में आत्मविश्वास और श्रद्धा पूरी रखो तो आपका काम 100% पूर्ण होता है। मेरा मोबाइल नंबर है 6350359076। दूसरा मोबाइल नंबर है 8890724599। ये हमारे दो ही नंबर, दोनों पे व्हाट्सएप चलता है, मैसेज भी आप कर सकते हो। 6 दिसंबर को रात्रि जागरण रहेगा, 7 दिसंबर को सुबह 8 बजे से आश्रम से लेके गांव सुल्तानपुरा तक जुलूस निकलेगा, 12 बजे भंडारा चालू होगा और शाम को 6 बजे से जो गुरु बनाना चाहता है या गुरु का आशीर्वाद लेना चाहता है तो वो शाम को 7 दिसंबर को शाम को 6 बजे से चालू होगा। तो आप सभी भगत आस्था विश्वास लेकर जरूर पधारें तो आपका काम भी होगा और भंडारे का प्रसाद जरूर ग्रहण करें। और जो भगत अगर पूरी श्रद्धा विश्वास लेकर आता है यहाँ पे तो उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। यहाँ पर मेरे आश्रम का एक ही काशित है, मेरा और मेरे आश्रम का, कि हम किसी से चार्ज नहीं लेते हैं, तो गुरु महाराज का आशीर्वाद पूरा पूरा मिलता है। चाहे कोई भी बीमारी हो, कोई भी रोग हो, माता बहन को रोग हो, कोई भी आ सकते हैं आप, तो आपकी मनोकामना पूरी होती है। बात करने का समय हो गया, भंडारे रात्रि जागरण का हो गया और मैं कब कब मिलता हूँ आश्रम पे वो हो गया। अब अगर आप मेरे को मैप्स या गूगल पर मेरे को देखना चाहते हो या ढूंढना चाहते हो तो आपको मैप्स या गूगल पर या यूट्यूब पर जाकर आपको बड़ी ABCD के अंदर लिखना है ओघड़ बाबा गो सेवा संस्थान आश्रम सुल्तानपुरा। ऐसे लिखते ही मेरा पूरा प्रोफाइल आपके ऊपर आ जाएगा और उस प्रोफाइल को आप देख सकते हो। नेट पे भी मेरा पूरा एड्रेस आपको बता देगा, मैप्स भी पूरा एड्रेस आपको बता देगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ गणेश मोहिनी मंत्र के बारे में, वो ध्यान से आप सुने। थोड़ा इधर जा, थोड़ा इधर। गणेश मोहिनी मंत्र के बारे में बताता हूँ मैं आपको, बहुत पावरफुल। थोड़ा ऊपर से अब गणेश मोहिनी मंत्र के बारे में बताता हूँ जो बहुत पावरफुल है और बहुत अच्छा है, शक्तिशाली, उससे आपके हर काम सफल होते हैं। मंत्र है, ओम गणपति वीर बसे मसान, जो मैं मांगू सो तुम आन, 5 लड्डू व सिर सिंदूर, त्रिभुवन मांगे चंपे के फूल, अष्टकुली नाग महू, 9 नाड़ी बेहतर कोठा महू, इंद्र की बेटी सभा महू, आवती जावती स्त्री महू, दावा अंग वसे नरसिंह, जेवने क्षेत्र पालाये, आवे मार मर करंता, सो जावी हमारे पाव पड़ंता, गुरु की शक्ति हमारी भक्ति, चलो मंत्र ईश्वर वाचा। इसका विधि विधान में नहीं बताऊंगा क्योंकि जो गुरु शिष्य परंपरा में जुड़ेंगे या जुड़ते हैं उसी के लिए ये संभव है। बाकी तो जय सीताराम, खुश रहो हमेशा हमेशा, भगवान आपके हमेशा खुश रखे और आपकी हर मनोकामना पूरी करे। दूसरी बात, हमेशा माता पिता बहनों का आदर सत्कार करो, उसको हमेशा खुश रखो और पूरी उसकी श्रद्धा भाव से सेवा करो। माता पिताओं की, गौ माता की अवश्य सेवा करें। कोई भी बेजुबान जानवर अगर आपको कहीं दिखे या कहीं मिले तो उसकी सेवा अवश्य करें। जो आश्रम पर श्रद्धा विश्वास लेकर आता है उसकी सर्व मनोकामना पूरी होती है। यहाँ पर डायरेक्ट मेरे से मिल सकते हो, डायरेक्ट बात कर सकते हो, ऊपर से नीचा कर, डायरेक्ट मेरे से मिल सकते हो, डायरेक्ट बात कर सकते हो, कोई भी अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो जय भैरवनाथ, खुश रहो हमेशा हमेशा। एक बार मेरा आश्रम देख लीजिए, पूरा जंगल में है गुरु महाराज की कृपा से। और सुनो, जो भगत अगर गो सेवा हेतु या भंडारा हेतु
दान करना चाहता है तो स्क्रीन पे मैं आपको अकाउंट नंबर लिख दूंगा, उसमें आप डाल सकते हो। जय भैरवनाथ। और बोला एक बार और ऐसे हिला। Thank you.